ओके गाइस, तो आज हम दोबारा आए हुए हैं अपने कच्चे के इलाके, और आज दोबारा GoPro की टेस्टिंग हो रही है प्रॉपरली। उस दिन जो हमसे ना स्टेबलाइजेशन जो है ना GoPro की, वो हमसे ज़रा मिस हुई है। कैमरा एंगल भी हमारा सही नहीं था। तो आज जेना हंटर ये दिखा दें ज़रा, आज ये देखिए जेना हंटर शाहीन 8 लाया हुआ है, अपनी गन साथ लाया हुआ है, और आज हम यहाँ टेस्टिंग करेंगे। हमने सोचा हुआ है कि 3-4 फायर एक साथ निकालेंगे गन से, और देखेंगे कि गन जब हमारी बॉडी शेक होती है, गन शेक होता है, तो उसमें ये स्टेबल जो कह रहे हैं GoPro वाले के बड़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन है इसकी, उसमें फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ा। उसके अलावा अभी हम यहाँ बैठ रहे हैं, थोड़ी सी इधर देखते हैं कुछ आता है उस पर शूटिंग करने के लिए, अगर नहीं तो फिर हम जाएंगे सीधा खफारे वाली टी साइड पे, वहाँ एक छोटा सा काम है हमारा, वो करना है, और उसके बाद ये वीडियो हम आपको आगे दिखाते हैं। बाय फॉर नाउ। एक कुड़े सा ऊंचे लगे नहीं, बहुत बहुत ऊंचे नौसी मुगल। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा वो जी ठीक ठाक तकरीबन कोई अड्डा दी वारा तक में पता लगे ना चरे ते किथे लगी पई। अल्लाह दा शुक्र है जी, चंगा वदा है मेहरबानी जी। अच्छा चला दिया मान ने, बाकी सारे अम्मी बहन सब चले ठीक है खैर होने आबाद। अच्छा जी, तो ये थे हमारे चाचा फौजी, ते मेरा मामा फौजी, और ये हमारे रिश्तेदार भी लग जाते हैं, और ये बड़े बहुत ही पुराना मच्छी का शिकारी है, और आज इसे हमने सोचा ऐसे हम आए हुए थे ऐसे चेकिंग करने के लिए, जो बताया कैमरे की चेकिंग करने के लिए, ये रास्ते में मिले तो हमने इसे हाय हेलो कर लिया, सोचा आपको भी दिखा दें। बाकी ये माहौल है, खामोशी है। अच्छा उसी मुगल यार, इंदी स्टेबिलिटी चेक करें दे पे। हाँ। त्रै फायर करेसूं। त्रै फायर। क्विक। ते देखा पता लग सी के कैमरा हल्दा है या नहीं हल्दा। घरेलू चलें जी।